सुसमाचार, गुड न्यूज क्या है? एक बीमार के लिए गुड न्यूज ये है कि हे बेटा, यीशु मसीह ने तेरी बीमारियों के कारण पीठ पर कोड़े खा लिए। अगर तुम बिलीव करो कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तो वो तेरे लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, ये तेरे लिए गुड न्यूज है। अगर तुम ए भाई, तूने बहुत पाप किए, तूने लड़की, तूने बहुत तो लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रही, अब तुम धोखा खा चुकी हो, अब तुम रो रही हो, तुम सुसाइड करना चाहती हो अपनी लाइफ में, तूने बहुत पाप किए, तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई कि यीशु मसीह ने आज से 2022 साल पहले, जब दुनिया की कैलेंडर की शुरुआत हुई, उससे पहले वो यीशु मसीह था जो तेरे पापों के क्रूस पर लिए हुए जान दे चुका है। अब तुझे पापों के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अगर तू क्षमा मांगे यीशु के नाम से, तेरे सब पाप माफ होंगे और खुदा तुझे नया जीवन देगा। ये तेरे लिए क्या है? गुड न्यूज है। कोई व्यक्ति कह रहा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, पर मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है। तो आप उन्हें बताएं, भाई बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये क्या है उसके लिए? गुड न्यूज। ये क्या है उसके लिए? गुड न्यूज। तो प्रीच करो गुड न्यूज। ऐसी बहुत सारी बातें, कोई अपनी लाइफ में थक चुका है, अक चुका है, सोच रहा है मैंने बहुत बार फॉरेन जाने की कोशिश की, असफल रहा, मैंने बहुत बार बेबी प्लानिंग की कोशिश की, बार बार मिस कैरिज हो रहा है, मैंने बहुत बार बिजनेस करने की कोशिश की, असफल हुआ हूं, मैंने बहुत बार एग्जाम देने की कोशिश की, मैं फेल होता आ रहा हूं। और आप उन्हें बताएंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सब बातों में असफल हो रहा है, उसने बहुत कुछ किया, उसमें सफल नहीं हो रहा है, वो हार चुका है, वो अक चुका है, थक चुका है, तो आप उन्हें बताएंगे, वचन में लिखा है वो थके हुए को बल देता है, निर्बल को बहुत सामर्थ देता है। जवान तो थकते ठोकर खा के गिर जाते, पर जो यहोवा पर भरोसा रखते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। चर्च में आ, तुझे नया बल मिलेगा, तू गिव अप नहीं करोगे, तुम पीछे नहीं उठोगे, तुम फिर से खुदा तुझे आगे बढ़ाएगा, तुम पास होगे, तुम ब्लेस होगे, खुदा तुझे आशीष करेगा ही करेगा। हालेलुया। उसे क्या मिलेगी? एक नई उम्मीद मिलेगी उठने के लिए। उसके लिए एक नई उम्मीद क्या है? जो मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, उसके लिए नई उम्मीद क्या है? जो थक चुका था, उसे नई आशा मिलेगी, नई उम्मीद मिलेगी, वो फिर से यीशु के नाम में उठ खड़ा होगा। और जब वो उठेगा, उसे पता चलेगा कि जिन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा ये है कि मैं एक सेवक बनूंगा और उसके नाम में चिन्ह और चमत्कार करूंगा, मैं बीमारों को चंगा करूंगा, मैं एक प्रॉफिट बनूंगा, एक पास्टर बनूंगा, एक इवेंजलिस्ट, जगह जगह जाके पृथ्वी के शोर तक जाके प्रचार करूंगा। अब वो आएगा, अब वो जान जाएगा मैं क्यों ब्लेस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी जीवन में खुदा की योजना कुछ और थी, अब मैं जान चुका हूं और अब उसमें चल रहा हूं। ये क्या होगी उसके लिए? एक गुड न्यूज। एक बहुत बड़ा प्रचारक, लाखों करोड़ों रूहों को बचाने वाला, उसको सुसमाचार एक लड़की ने बताया था, एक लड़की ने। तो अगर उस व्यक्ति ने करोड़ों, एक करोड़ लोग बचाए हैं, तो उस लड़की ने एक करोड़ एक बचाए हैं। आपको नहीं पता आप किसको सुसमाचार सुनाने वाले हो, कल वो कितना बड़ा प्रचार, कितना बड़ा ब्लेस मैन, खुदा के लिए कितने बड़े काम करने वाला है। आप सारी जिंदगी खुदा आपको याद करेगा, आपको आशीष करेगा। जब नमान कोड़ी था, एक औरत ने जो गुलाम बना के आई थी, उसने बताया, अगर ये मेरे नगर में होता, यहां पर भविष्यवक्ता रहते हैं, तो इसका कोड खत्म हो जाता। उसने प्रचार किया और गया, उसका कोड खत्म हो गया। क्या उसने उस लड़की का थैंक्स नहीं किया होगा? क्या उस लड़की का पद नहीं बढ़ाया गया होगा? क्या उसका लेवल बढ़ाया नहीं गया होगा? बढ़ाया गया होगा, जिस तरह मोर्दके का पद ऊंचा किया गया जब उसने राजा की जान बचाई, भलाई की, तो खुदा उस लड़की का क्यों ना किया गया होगा। जब आप खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा आपके काम करेगा यीशु के नाम में। ये दो मीटिंग में खुदा हिला रहा है कि हम सुसमाचार के लिए काम करें। शैतान की ये योजना है कि ये सुसमाचार पंजाब में बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, कोई इतना प्रीच नहीं कर रहा है जितने मसीह लोग कर रहे हैं। उसको थोड़ी सी आग लगी,
जलन लगी। उसने थोड़ा सा हिलजुल की कि मसीह लोग डर जाएं, अब सुसमाचार लेके ना निकले। विश्वासी लोग डर जाएं, सुसमाचार लेके ना लेके निकले। मैं आपको बताऊं, ये एक कह सकते हो अटैक आया, ये अपना जोर लगाएगा, चुप हो जाएगा, थम जाएगा, पीछे हट जाएगा और एक स्टोरियों में लिख जाएगा कैसे कि जैसे लाखों इजरायली लोगों को फिरौन की सेना ने घोड़ों रथों हथियारों से रोकने की कोशिश की, एक मूसा काफी था, क्योंकि खुदा चमत्कारी रूप में जवाब दे रहा था, वो अपने बल और ताकत से जवाब दे रहे थे। हालेलुया। तो आप इस बात को ना भूलें कि आपका खुदा चमत्कार करने वाला खुदा है। कहता कर लो, कईयों को घोड़ों रथों पर भरोसा है, पर हमारा परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है जो चमत्कार के द्वारा काम करते हैं। तो आप सुसमाचार क्या करोगे? प्रीच करोगे, खुदा की महिमा के लिए गवाही दोगे। हालेलुया। जाओ जगत में जाके मेरे नाम का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। हालेलुया।